हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मात्र ये चार काम आप कर लीजिए, आपको कभी भी एग्ज़ाम में आप फेल नहीं होंगे। जो टीचर हैं वो आपको कभी भी फेल नहीं करेंगे। तो वो चार, उसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है मात्र चाम का चार्य कार्य करें और कभी फेल नहीं होंगे। तो वो चार कार्य कौन कौन से हैं, चार काम वो कौन कौन से हैं जिसको आपको बोर्ड परीक्षा में करना है, जिससे आप कभी भी फेल नहीं होंगे। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, लगभग 0 है या 10-20% है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी कुछ तो तैयारी हुई हुई है बट उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है जितनी उनका अच्छे से होना चाहिए। अब वो चाहते हैं कि मैं केवल पास हो जाऊं और एक मतलब उतना नंबर आ जाए जिससे मैं कह सकूं चलिए मैं पास हूं, इतना नंबर है। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए खासकर ये वीडियो होने वाला है। अब वही हम छोटी छोटी, देखिए ये जो चार काम है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ा काम है, छोटी छोटी ही कार्य हैं। पर कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा इम्पेक्ट कर देती हैं, बड़ा इफेक्ट डाल देती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो वही छोटी बातें हैं पूरा हम डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो का अंत तक ज़रूर देखेंगे और ये शायद आपके 5 से 10 मिनट का ये वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर दिला जाए। तो वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि आपका पेपर, जब बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने जाएंगे तो आपको सबसे पहला आपका यही कर्तव्य है, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहला है कि ध्यान से आप समझेंगे, जो पेपर है तो पेपर में जो प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र, ठीक है, तो पेपर में प्रश्न पत्र सीरियल से करना है। ये सबसे पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए कि जो पेपर, जो प्रश्न पत्र मिले उसको आपको सीरियल वाइज करना है। सीरियल वाइज का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे प्रश्न पत्र मिलता है तो पहला क्वेश्चन, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा, फिर से चौथा, इस तरीके से आपके पेपर रहते हैं। तो आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा तो ऐसा नहीं करना है कि आपको पहला क्वेश्चन किए, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है तो हम चौथे पे चले गए, चौथा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी प्रश्नों को आपको करना है और एक सीरियल वाइज चलना है। पहले आपको पहले प्रश्न को करना है, फिर से दूसरे को, फिर से तीसरे को, फिर से चौथे को, फिर से पांचवे को, इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में यही आ रहा होगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे पहला तो मान लेते आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, फिर से तीसरा आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, तब हम क्या करें। तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, निश्चिंत रहना है। उसके लिए हम ये भी वीडियो बनाएंगे कि मान लेते हैं कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखें, क्या कुछ हम लिख दें जिससे हमें, मान लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 3 नंबर, 2 नंबर तो मिल ही जाए, छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ ना मिलने, अच्छा ना मिलने जो अंक है आपको नहीं मिल रहा है उससे अच्छा है कि दो दो तीन नंबर तो मिल ही जाए। तो वही हम जानेंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इतनी बात समझ गए कि क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न पत्र मिलता है उसको सीरियल वाइज आपको करना है। दूसरा दूसरा आपका काम क्या है, दूसरा आपका काम है कि जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, आप जब प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो प्रश्न जो नंबर है, प्रश्न नंबर डालकर उत्तर लिखें। इसका मतलब आपने समझा, जो प्रश्न नंबर डालकर उत्तर लिखे, इसका मतलब क्या है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं सपोज डेट ऐसे प्रश्न नंबर 1, ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं उसके नीचे ऐसे ही डालते हैं, जैसे प्रश्न वो सीधा ऐसे करेंगे उत्तर 1, ऐसे लिखना वो स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो उतना अट्रैक्टिव दिखाएंगे कैसे आप, ठीक है ना, ऐसे आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको देखिए कैसे करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि प्रश्नोत्तर, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, मान लेते हैं प्रश्नोत्तर 10 का कितना है, मान लेते क है, तो
ऐसे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर 10 का क, अब इसको आपको इस तरीके से हेडिंग लिखना है, उसके बाद फिर से अब यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार यदि मान लेते हैं इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, एंसवर, एंसवर आप लिख देंगे 10 का ए, इस प्रकार लिखकर आप इस प्रकार करेंगे, समझ रहे हैं। तो हेडिंग आप ऊपर डालेंगे, नीचे आपको क्वेश्चन पेपर को जो आंसर है वो आपको लिखना है। तो ऐसे कुछ करेंगे ना तो ऐसे अट्रैक्टिव दिखाई देता है और टीचर समझते हैं कि कुछ आप तो जानते हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर कैसे किया जाता है, ये अट्रैक्टिव दिखाता है, इस पर ज़्यादा फोकस जाता है और उनके दिमाग में सीधा जाता है कि दसवां का स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, चलिए 5 नंबर का है, 3 नंबर थोड़ा कम लिखे हैं तो 3 नंबर दे देंगे, ऐसे भी चलता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, चेक करना ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो उतना आप दो बातें यह ध्यान देंगे, तीसरा आपको मुख्य तीसरा बात आपको ध्यान देना है कि जो काट पीट नहीं करना है, काट पिट नहीं करना है, इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब उत्तर दिया जाता है, जो प्रश्न पत्र उनको मिलता है, आंसर लिखते हैं तो उसमें अधिक वो क्या करते हैं, गलत हो जाते हैं तो उसको काट देते हैं ऐसे वैसे। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर का जो आंसर आप लिखें तो उसमें ज़्यादा काट पिट ना करें, साफ सुथरा लिखें। साफ सुथरे का मतलब क्या है कि एक अच्छे राइटिंग में लिखें। सपोज इट मान लेते हैं कि आपकी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, तो राइटिंग अच्छी ना होने के कारण आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दूर दूर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जैसे नहीं होता है राइटिंग, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी उतनी अच्छे से नहीं होगी, जैसे मेरी भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा आप दूर दूर लिखेंगे ना तो आपकी राइटिंग भी अच्छी दिखाई देगी, समझ रहे हैं। तो थोड़ा दूर दूर लिखिएगा जिससे अट्रैक्टिव आपका राइटिंग दिखाई दे और जो टीचर हैं वो आपको नंबर दे देंगे, समझ रहे हैं। तो ये तीन काम आप करेंगे। चौथा, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बहुत ही इम्पेक्ट करेंगी, आप इसको हल्के में ले रहे होंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कमेंट में कहेंगे सर ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अरे भैया छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी इम्पेक्ट करती हैं, आप ये बात अभी नहीं समझ रहे हैं, शायद आप एग्ज़ाम में अगर दे आए और उसके बाद आपको दिक्कत हो सकता है अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं दिए तो। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे और नोट में भी लिख लेंगे। अगला आता है कि देखिए बहुत से ये आप याद रखेंगे कि नंबर के अनुसार ही क्या करें, उत्तर दें। ये बात आप समझ रहे हैं, नंबर के अनुसार ही उत्तर दें। इसका मतलब क्या है कि बहुत से हमने देखा हुआ है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब मेरे ही दोस्त हैं, वो सब कहते थे जब मैं क्लास 12th का पेपर देके हम लोग आए थे तो वो कह रहे थे कि 2 नंबर का प्रश्न था मैंने तो मुझे आ रहा था तो 1 पेज लिख दिया, 3 नंबर का प्रश्न था मैंने 1 पेज लिख दिया, और कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें मैंने 2 ही लाइन लिखा, 5 ही लाइन लिखा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नंबर के अनुसार ही आपको लिखना है। जैसे कि सपोज डेट मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं जैसे आप समझिएगा, मान लेते हैं 2 अंक का कोई प्रश्न है तो इसको अधिक से अधिक आप कितना लिख सकते हैं, 2 अंक का प्रश्न है ना तो अधिक से अधिक देखिए 3 लाइन से 5 लाइन, ठीक है, 5 लाइन आप लिख सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, 2 अंक का प्रश्न है तो 3 से 5 लाइन के बीच में आप लिख सकते हैं, आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड कि अगर आपको आ जाता है 3 अंक का, ठीक है जी, अगर आपको 3 अंक आता है ना तो 3 अंक के लिए आप कितना लिख सकते हैं, लगभग 5 से 7 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है जी, इतना तो बिल्कुल आपको लिखना ही है। और यदि आपसे आ जाता है बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का या 4 अंक का प्रश्न तो आपको ये भी बात याद रखना है कि बिल्कुल आपको 1 पेज लिखना ही है, समझ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा हमने बताया, कम नहीं बताया, कम अगर आप चाहें तो इतने उससे कम भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अधिक से अधिक आपको यही सब करना है इसी नंबर के अनुसार।
तो ये थी कुछ चार बातें जिसको आप बोर्ड एग्जाम में, अगर ऐसे आप ध्यान देकर बोर्ड परीक्षा में अपने पेपर को सॉल्व करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है। और ये बात है कि सीरियल वाइज मैंने करने को कहा, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सोचा होगा कि सर बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे नहीं आता है, तो उसको बिना पढ़े हुए या थोड़ा बहुत हम जानते हैं तो कैसे हम लिख दें, ठीक है? तो उस पर भी वीडियो बनाइएगा। तो बिल्कुल हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस पर भी जल्दी आपको वीडियो लाया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि जैसे वो आपको वीडियो अपलोड हो वो आपके पास नोटिफिकेशन बन ऑन कर लीजिएगा जैसे वो पहुँचे आपके पास। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।